मुख्यमंत्री जी का मंत्रिमंडल विस्तार या और मंत्रिमंडल के संबंध में विचार करने का जो काम है, उनका अपना क्षेत्राधिकार है, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किनको देंगे, ये सब उनकी बात है, इस संबंध में हम लोग नहीं कुछ कर सकते। ये बात जरूर है कि जब संतोष कुमार सुमन जी किए इस्तीफा, एक दिन के अंदर ही किसी दूसरे को उन्होंने बना दिया, लेकिन ये मंत्रिमंडल का विस्तार में इतना समय लगा रहे हैं, कभी लालू जी के यहाँ मिलते हैं, कभी विजय जी के यहाँ मिलते हैं, लगता है कहीं ना कहीं जरूर उनके सामने अड़चन है, मुसीबत है, और इससे वो पार पाना चाहते हैं, इसीलिए कुछ इधर की बात कुछ उधर की बात कर रहे हैं। तो ये जनतंत्रगिरी और बिहार के शासन का जो अस्थायित्व तो है उसके उचित लिए उचित नहीं है, क्योंकि जो सरकार अस्थिर रहती है वहाँ काम धाम होता है, और यहाँ काम धाम तो कोई नहीं रहा, रोज टिकम बाजी चल रही है और दोहरा मानदंड अपना रहे हैं। अब देखिए कि त्रिपुरा में घटना घटी तो सब लोग बहुत लंबी लंबी बात बोल रहे, लेकिन बेगूसराय में घटना घटी उसके बारे में कोई नहीं बोलते, और फिर उसके अलावे अभी मालूम हुआ बंगाल में वहाँ भी इस प्रकार की घटना घटी उसके बारे में कोई नहीं बोलते। तो एज ए होल स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति नकारात्मक भूमिका लोग की रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्री स्त्री है, चाहे वो त्रिपुरा की हो, मणिपुर की हो, या फिर यहाँ बेगूसराय की हो, या बंगाल की हो। और आज आपने देखा होगा शायद किशनगंज में भी कोई घटना ऐसी घटी है जहाँ पर लोग स्त्रियों के इज्जत से संबंध रखते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि स्त्रियों का इज्जत पूरी तरह से बाजार में फेंकना नहीं चाहिए और काम करना चाहिए, और मंत्रिमंडल विस्तार कर करके वो चाहेंगे कि हम साहब हम चलने की बात, लेकिन सच्चाई यही है कि आपस में बहुत फाट हो गया है और ये फाट बैठक नहीं होने वाली है, आज न कल ये लोग टूटेंगे, टूट करके अपने आप ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।